जय हिंद दोस्तों, यूडीसीआरए में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में होने वाले चौथे T20I मैच की। दोस्तों, ये मैच फ्लोरिडा पे खेला जाएगा, यानी कि यूएसए पे। अब आप सब लोग कहेंगे कि सर, ग्राउंड मतलब कैसा होगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, है ना। दोस्तों, सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं, पिच रिपोर्ट आपके लिए लेके आए हैं, जो बड़े बड़े यार चेंजेस होने वाले हैं वो आपके लिए लेके आए हैं, प्राइम प्लेयर्स की लिस्ट आपके लिए लेके आए हैं, प्राइम टीम आपके लिए लेके आए हैं, और भरोसा मतलब ट्रस्ट, पिछले मैच का प्रदर्शन, ताकि आपका ट्रस्ट बने कि यूडीसीआरए जो आपको टीम्स देंगे, जो आपको इतनी नॉलेज देंगे, वो आपके फायदे के लिए, है ना, फ्री में। तो चलिए सबसे पहले पिछले मैच की टीम्स का प्रदर्शन देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कितने बंदे हैं, 339। 339 बंदों में हमारा रैंक कितना आया, 4 रैंक आया। ये हेड टू हेड की टीम का रैंक है, पहली और दूसरी टीम ग्रैंड लीग की टीम थी, ये टीम हेड टू हेड की थी। अब हेड टू हेड का प्रदर्शन देखिए आप लोग, है ना, और हमारी टीम देखिए, टीम भी साथ में अपने अपलोड की है। आगे चलते हैं, जिस टीम की वजह से इतने लोग विनिंग करके गए वो टीम देखिए आप लोग, है ना भाई। पहला कमेंट पढ़े तो, भाई आपकी टीम से 55,000 मैच जीत गया। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना, अगर आप स्किप करोगे आप मेरी तरीके इतनी बड़ी रकम नहीं जीत पाएंगे, है ना। थंबनेल में आपने देखा ना कितनी बड़ी रकम है। अगर आप लोग इतनी बड़ी रकम जीतना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, सब्सक्राइब करिए जल्दी। आपके जैसा एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने वाला कोई नहीं है। ओहो, आपकी वीडियो मैं पूरी देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बिना स्किप के देखता हूँ। हाँ, स्किप तो करना ही नहीं है, अगर स्किप करोगे फिर आप इतनी बढ़िया मतलब कि यार छोड़ दो, फिर तो वीडियो किसी और की देख लो। मेरी वीडियो देखने को बिना स्किप के देखो यार, इतनी बढ़िया आपको टीम मिलेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी नॉलेज आपको मिलेगी। सर, कल मैंने आपकी टीम से खेला और अपटू मिनी जीएल में 2 लाख जीत गया, क्लीन स्वीप करके गया बंदा। अब देखिए दोस्तों, अगले पेज के कमेंट देखते हैं। वाओ, मजा आ गया। आपकी टेलीग्राम वाली ना, टेलीग्राम तो बेस्ट है यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। टेलीग्राम वाली टीम से 19,000 जीत गया, क्या बात है। सर, आप भगवान हो? अरे नहीं, भगवान नहीं है, प्रेडिक्शन जरूर अच्छी देते हैं हम लोग, है ना। थर्ड रैंक आया ये 140 बंदों में, ये 10-15 हज़ार जीत गया, क्या बात है। अब दोस्तों, आप कहोगे सर आपकी खुद की टीम मतलब प्लेइंग 11 के बारे में कोई चेंज आ गया, कुछ भी हो गया, आप अपनी फाइनल टीम कहाँ पे दोगे? दोस्तों, टेलीग्राम पे, या तो मेरी टीम आपको टेलीग्राम पे मिलती है, और टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलता है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ है मैंने, वहां पे देख सकते हो, या @UDCR सर्च भी कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, बैट बॉल बेस्ट है दोस्तों, बैट बॉल पे ग्रैंड लीग में बड़ा डिस्काउंट लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, 29 रुपए की लीग मिल रही है, 49 वाली, 20 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी 30 की 30 टीमों में, सारी लीग्स में फ्री एंट्री भी है दोस्तों। 10,000 रुपये का फ्री गिव अवे लगा हुआ है, जल्दी बैट बॉल इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लोएस्ट कमीशन है दोस्तों बैट बॉल पे, हेड टू हेड में सबसे कम कमीशन है। उसके बाद माई मास्टर 11 पे तो दोस्तों उससे भी बढ़िया, 50,000, कितना, 50,000 का फ्री गिव अवे लगा हुआ है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है माई मास्टर 11 का, जल्दी जाओ, माई मास्टर 11 बेस्ट ऐप है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, फ्लोरिडा है ना, अब सब लोग UDCR के पीछे पड़ गए होंगे, इतना हाई स्कोरिंग ग्राउंड यार, हमें चाहिए हमें चाहिए। वेस्ट इंडीज़ का यहाँ पे 245 का स्कोर है, क्या दोबारा ये स्कोर बना पाएगी? अरे भारत हार जाएगा फिर तो, ऐसा नहीं होने वाला, हम भारत के फैन है ना। तो एवरेज स्कोर ही जहाँ पर लगभग 165 से ऊपर है, आप सोच सकते हो कैसी पिच होगी, वैसे भी यूएसए है तो ज़्यादा बढ़िया पिच होगी। हाई स्कोरिंग है दोस्तों, 245 का ग्राउंड है ये, हालांकि 245 बने हैं, ग्राउंड इतना नहीं है, लेकिन आज आपको 190 के आसपास स्कोर देखने को मिल सकता है। एवरेज बोल रहा हूँ, यहाँ पे 166 गलत लिखा है, आप लगाइए 190 बनेंगे, ओवरऑल जो मर्जी लिखा हो दोस्तों, है ना। वेन्यू T20 स्टैट्स की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, बैटिंग फर्स्ट टीम 9 बार जीती है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? आप कहोगे सर ओवरऑल है तो मतलब पहली टीम को जीत रही है, दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है दोस्तों? जब भी कोई टीम 200 टच करती है ना, तो सेकेंड इनिंग्स में प्रेशर होता है, प्रेशर में विकेट्स गिरते हैं, और एक बार कोलैप्स हो गया फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। फिर कोई धोनी जैसा प्लेयर नहीं है जो अकेला आके जिता जाए, या फिर कोई युवराज सिंह नहीं है, ठीक है। तो एक बार कोलैप्स हो गया तो हो गया, बैटिंग सेकेंड बहुत कम बार जीती है, तो जो भी टीम जीतेगी पहले प्रेशर बिल्ड करने की ट्राई करेगी, बड़ा स्कोर बनाए, फ्री माइंड खेले, और दूसरी टीम को फिर धराशायी कर दे, क्योंकि एक बड़े स्कोर का 200 का प्रेशर ही दिखाता है कि यार टीम कोलैप्स, 200 रन का दिमाग में चल रहा हो ना, 200 बनाने हैं मुझे 100 बॉलों में, तो वैसे ही बंदा तिलक जाता है ना। हालांकि तिलक अच्छी फॉर्म में है, लेकिन ये दूसरे वाला तिलक यूज़ किया था मैंने,
अब बात करते हैं दोस्तों, स्कोरिंग पैटर्न क्या बना है। 150 से कम केवल 3 बार बना है, जबकि 190, 170 से, 190 से ऊपर, भाई 170 से ऊपर 7 बार बना है। देखो ना, 170 के ऊपर 3 बार बना है, 4 बार बना है, और 190 से ऊपर भी 3 बार बना है, 7 बार ये 170 प्लस गया है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ 190 के आसपास स्कोर जा सकता है, टेंशन मत लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, भारत का यहाँ पे दबदबा रहा है। भारत ने पहले बैटिंग की थी लगभग 1 साल पहले, 188 रन जड़ डाले थे, और वही बड़े स्कोर का प्रेशर इन पे पड़ा, और सेकंड टीम में धराशायी हो गई। 10 विकेट स्पिनर्स ने लिए, लगभग सभी विकेट, लगभग क्या सारे ही विकेट स्पिनर्स ने लिए दोस्तों। तो अब आपको समझ आ चुका होगा, ये ग्राउंड सेकंड इनिंग्स में अगर स्कोर बड़ा बनता है तो स्पिनर पेसर फिर तो दोनों के लिए बेस्ट है यार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब बड़ा स्कोर होता है ना तो मैटर नहीं करता विकेट स्पिनर ले रहा है या पेसर ले रहा है, वो काबिलियत से नहीं, वो दूसरे की माइंड से खेलता है, ठीक है। हालांकि इन्होंने काबिलियत से लिए होंगी, मुझे प्लेयर नहीं याद अभी, तो आप ये कह सकते हो थोड़ा माइंड लगाना। फर्स्ट इनिंग्स होगी तो केवल पेसर लेने हैं, ठीक है, ध्यान रखो मेरी बात, ध्यान से सुनो। फर्स्ट इनिंग्स होगी तो केवल पेसर लेने हैं आपको। देखो ना, जो 2 मैच हुए थे पिछले साल, यहाँ पे 4 विकेट्स, यहाँ पे 5 विकेट्स। और एक और बात दोस्तों, जिस भी टीम की बैटिंग आएगी ना, उसके बैट्समैन आपको मतलब कि टॉप ऑर्डर लेना है, जो आपके अकॉर्डिंग इनफॉर्म होगा वो प्लेयर आपको लेने हैं, ठीक है। और जो सेकेंड इनिंग्स होगी उसके केवल आपको ना बॉलर्स लेने, यानी उसी टीम के जिसकी बैटिंग स्पैन ली थी आपने फर्स्ट, उसी टीम के आपको मैक्सिमम बॉलर्स लेने, स्पिनर पेसर जो मर्जी लो यार लेने जरूर है। और आपको गए फिर 2-3 प्लेयर, 4 प्लेयर तो दूसरी टीम के भी लेने हैं। तो एक तो उस टीम के आपको लेने डेथ बॉलर, ठीक है, एक उस टीम के आपको लेने डेथ बॉलर, और उसी टीम के बैट्समैन भी आपको डेथ ही लेने हैं, यानी कि ऑलराउंडर आपको ज़्यादा प्रेफर करने हैं। फिर थोड़ा दिमाग लगाइए, इसी तरीके से एक प्राइम टीम बनती है, इसी तरीके से एक हेड टू हेड की टीम बनती है। आगे देखते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 की जहां तक बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो ब्रैंडन किंग दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, है ना। उसके बाद कार्ल मेयर्स, कार्ल मेयर्स की अगर बात की जाए तो बॉलिंग तो कर ही नहीं रहे, है ना। जॉनसन चार्ल्स की अगर बात की जाए तो जॉनसन चार्ल्स दोस्तों बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अब अगर बात की जाए अगले प्लेयर की, निकोलस पूरन बिल्कुल 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 ही इन फॉर्म चल रहे हैं, है ना। शिमरन हेटमायर, रॉबिन पावल इनफॉर्म है, कैप्टन भी है टीम के, रॉस्टन चेज है, रोमेरो शेफर्ड है, अकील हुसैन है, अल्जारी है, ऑबियर मकॉय। अब यहीं से आपको पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है आगे बताएंगे, लाइक करिए स्किप मत करिए। पिछले मैच में थोड़ा सा 42 रन बना के गया, लेकिन मुझे कोई खास उम्मीद है नहीं। हालांकि हाई स्कोरिंग वेन्यू कोई भी चल सकता है, कार्ल मेयर्स ऐसे ग्राउंड पे अच्छे चलते हैं, तो आपको अभी सर वैसे तो लेना नहीं है, अरे चाहे नहीं लेना, लेकिन इस ग्राउंड पे बंदा धमाकेदार प्रदर्शन करेगा, वो चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है। बैटिंग वेन्यू है और पहले अगर बैटिंग आ गई इसको छोड़ मत देना गलती से भी। उसके बाद आउट ऑफ फॉर्म, बहुत बड़ी आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन बैटिंग ग्राउंड पे अच्छे अच्छे आउट ऑफ फॉर्म चल जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। निकोलस पूरन, इनका बल्ला ज़रूर चलेगा, पता नहीं बंदा क्या खा के खेलता है, लेकिन टिपिकल वेस्ट इंडियन स्टाइल में बंदा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, और बहुत सूझबूझ वाली बैटिंग भी कर रहा है। टीम अगर पहले 2 मैच जीती तो केवल इसके दम पर ही जीती है। पॉवेल का भी हालांकि अच्छा हाल था, रोल था। शिमरॉन हेटमायर, हेटमायर का नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम बहुत छोटा कर रहे हैं, और कुछ कर भी नहीं पा रहे। राफमैन पॉवेल इनफॉर्म प्लेयर दोस्तों, 48 रन, 40 रन, 2 इनिंग्स अच्छी आई, लेकिन दूसरी इनिंग्स जो आई वो टीम को जीत कर नहीं लेके जा सकी, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। हेड टू हेड के रिवॉर्ड रोशन चेज की बात करें तो दोस्तों कुछ नहीं कर पा रहे, और लेकिन ये ऑलराउंडर है वो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। रोमेरो शेफर्ट, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, आपको पता लग चुका होगा रोमेरो शेफर्ट को जरूर अपनी टीम में रखना है। अगर 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 पहले बैटिंग आई किसकी, भारत की, तो जरूर रखना है, क्योंकि डेथ बॉलिंग करेगा यार, समझा करो बात को। सेकंड आई तो छोड़ सकते हो, क्यों, दस तक तो शायद की सजा ही ना, बाकी लेना जरूर है क्योंकि मैक्सिमम बॉलर्स लेने फिर वेस्ट इंडीज शायद जीत भी जाए, हालांकि भारत ऐसा होने ही नहीं देगा। अकील हुसैन, इसको भी ले सकते हो, देखो ना 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब अगर आपको कोई ढंग का प्लेयर नहीं मिल रहा ना तो 1 विकेट वाले प्लेयर सबसे सेफ होते हैं, मतलब आपको यार लगभग ये बंदा 35-40 पॉइंट दे जाएगा, तो और आपको क्या चाहिए यार, मतलब
सेफ है यार, अगर आपको लग रहा है कि यार ये प्लेयर आज नहीं चलेगा क्यों रिस्क लेना है, एवरेज जाओ यार, 40 पॉइंट मिल रहे हैं यार। अच्छी टीम होती है अल्जारी जोसअप, विकेट 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 विकेट, दो 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 दो, इनफॉर्म प्लेयर दोस्तों लेना है। ऑबियर्ड मकॉय इनको छोड़ सकते हो, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है बंदा, एक ही मैच में चला है। स्टार्टिंग के ओवर कौन कौन करेगा वेस्ट इंडियन साइड से? अकील स्पिनर, ऑबियर्ड और अल्जारी। ऑबियर्ड और अल्जारी आपको डेथ में भी दिखेंगे, यानी अगर मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग जरूर लिखा है लेकिन हम बात करेंगे सेकंड इनिंग्स की। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड इनिंग्स है ना, देन ओ सॉरी मैं इंग्लिश में घुस गया, तो आपको ये चारों लेने हैं, तीन नहीं चारों लेने। मैंने बोला ना सेकंड इनिंग्स में विकेट ज्यादा गिरेंगे अगर प्रेशर बिल्ट हुआ तो। हो गई होगा यार, वेस्ट इंडीज साइड बहुत तगड़ी साइड, दो मैच जीत चुकी है पूरन की वजह से और रोहन पावल की वजह से, तो सेकेंड इनिंग्स अगर भारत की पहले बाय चांस दोस्तों बैटिंग आ गई, ये सॉरी बॉलिंग आ गई, तो सेकेंड इनिंग्स में चारों बॉलर्स आपको वेस्ट इंडियन साइड से लेने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मतलब ब्रैंडन किंग कमजोर किन के अगेंस्ट, हालांकि ये चारों अपनी टीम में लगभग रह सकते हैं, लेकिन ब्रैंडन किंग को रवि बिश्नोई ने बहुत तंग किया है, खाता नहीं खोलने दिया। चहल ने भी उनको तंग किया है, 7 रन बनाए 11 बॉलों में। उसके बाद हार्दिक ने भी तंग किया है, कुलदीप ने भी तंग किया है, यानी सबने तंग किया है, साला किसी के अगेंस्ट चला ही नहीं है बंदा, ठीक है। उसके बाद कार्ल मेयर्स की बात करें तो कार्ल मेयर्स ने यूजी चहल को लगभग अच्छा खेला है, पांड्या को भी अच्छा खेला है, अक्षर को भी अच्छा खेला है, अर्शदीप को भी अच्छा खेला है और अपनी टीम में भी रहेगा, लेकिन चहल और अक्षर ने इसे 3-3 बार आउट भी किया, यानी आउट भी इन्हीं के हाथों होगा, है ना। थोड़ा सा प्लेयर बैटल जो होता है ना आपको क्लियर कर देता है कि ब्रेंडन किंग आपको नहीं लेना क्योंकि सबके अगेंस्ट कमजोर है ना। उसके बाद निकोलस पूरन, निकोलस पूरन की अगर बात की जाए दोस्तों, मुकेश हमें टीम में नहीं रखना तो निकोलस पूरन टीम में आ सकता है, आवेश भी नहीं रखना, अर्शदीप रहेगा लेकिन उसकी धुलाई भी अच्छी की है तो रह सकता है, चार्ल्स चार्ल्स को नहीं रखना क्यों, क्योंकि हार्दिक और कुलदीप शायद दोनों टीम में रखेंगे अपनी। शिमरॉन हेटमायर सबने आउट किया है, सबने आउट किया है लेकिन धुलाई भी, इसने आवेश नहीं लेना तो शिमरॉन को ले भी सकते हो लेकिन आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। राफमैन पावेल प्लेयर बैटल सबसे अच्छा सेक्शन है दोस्तों अपना, हालांकि प्राइम टीम सबसे बेटर है लेकिन राफमैन पावेल, अर्शदीप को धोया है, बिश्नोई को धोया है, कुलदीप अक्षर और पांड्या को ये इतना नहीं मार सका है ना, बिश्नोई को भी हालांकि उतना नहीं मारा, 35 में 28 कुछ ज्यादा नहीं है, 5 बार आउट भी तो किया है यार, ये देखो ना 5 बार बिश्नोई ने आउट किया है। बिश्नोई वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर अबाउट दिस मैच एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट भारतीय टीम दोस्तों, भारत की प्लेइंग 11। तो भारत की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए, यशस्वी जायसवाल है ना, यशस्वी जायसवाल दोस्तों देखते हैं पहले मैच में तो हालांकि इतना नहीं चले लेकिन आज देखते हैं आज चलेंगे कि नहीं चलेंगे है ना। यहाँ पे देखिए शुभमन गर्ग कुछ नहीं कर रहा, सूर्यकुमार यादव बहुत अच्छा खेले, तिलक वर्मा बहुत ही इनफॉर्म प्लेयर, हार्दिक पांड्या इनफॉर्म, आगे ज़्यादा बात नहीं करनी क्योंकि आधे बॉलर्स आ गए, संजू सैमसन नहीं चल रहे, अक्षर कुलदीप यूजी अर्शद मुकेश, मुकेश कुछ कर नहीं रहे तो मुझे नहीं लगता खेलना चाहिए लेकिन खेलेंगे अभी। वेनी गॉड्स की अगर बात की जाए तो सॉरी प्लेयर स्टैट्स की अगर बात की जाए तो यशस्वी आए तो बहुत अच्छी फॉर्म लेके थे लेकिन पिछले मैच में नहीं चले, हो सकता है आगे चल जाए है ना, अभी मैचेस पड़े हैं। शुभमन गिल कंप्लीटली सीरीज में अभी तक तो नहीं चले, मतलब डबल डिजिट्स भी उन्होंने क्रॉस नहीं किए, 6-7-3 मोबाइल नंबर चल रहा है दोस्तों। इन्होंने कहर ढा दिया पिछले मैच में यार, मतलब मज़ा आ गया, बंदे ने ना सफाया कर दिया था। अगर टीम जीती है तो इसी की वजह से जीती है दोस्तों, ठीक है, और आज अगर भारत जीत जाए ना तो 5वां T20 देखने में मज़ा आ जाएगा, हालांकि मुझे पता है आज और कल जो जितने भी मैच होंगे सभी भारतीय जीतेगा। तिलक वर्मा ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए, बस टीम के लिए खेला बंदा, 26-47-39-51-49 बहुत तगड़ी फॉर्म में खेल रहा है बंदा, बहुत अच्छा खेल रहा, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। हार्दिक इसे तो लेना पड़ेगा, मतलब डेथ बॉलिंग बंदा कर रहा है यार और आपको क्या चाहिए, ठीक है, डेथ में बैटिंग भी कर रहा है। संजू को नहीं लेना यार, बैटिंग ऑर्डर वैसे ही नीचे है, बैटिंग का चांस ही नहीं मिल रहा टॉप ऑर्डर प्लेयर को। अक्षर पटेल, अक्षर ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन चांस ही नहीं मिल रहा तो क्या करेगा। कुलदीप यादव
प्रदर्शन बता रहा है बंदे यार कि वो जो साल 2 साल पहले वो जो आउट ऑफ फॉर्म थी वो मोइन अली की वजह से आई थी, सब बंदे ने बुला दी है और अब दूसरों की आउट ऑफ फॉर्म कराने का टाइम है। बैट्समैन को आउट ऑफ फॉर्म कर रहा है, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, है ना, धमाकेदार प्लेयर है दोस्तों, कैप्टन बना सकते हो आप। युजी चहल छोड़ सकते हो, मतलब 2-2 विकेट जरूर लिए हैं पहले 2 मैचों में, लेकिन तीसरे में नहीं मिला, ले भी सकते हो, ऐसी बात नहीं। अर्शदीप सिंह, ये अभी ठीक है यार, मतलब डेथ बॉलर है, लेना पड़ेगा, 1 विकेट भी ले गया अपना काम पूरा है। मुकेश, 1-1 विकेट वो भी डेथ में, तो जरूरत नहीं है, इग्नोर कर सकते हो यार, मतलब एक मैच में 3 विकेट जरूरी है, वो पुराना मैच था। स्टार्टिंग के ओवर कौन करेगा? अर्शदीप, मुकेश, मुकेश शुरू में भी कर रहा है, डेथ में भी कर रहा है, लेकिन मुकेश टीम में नहीं रहेगा। हार्दिक अच्छा कर रहा है दोस्तों, अर्शदीप अच्छा कर रहा है, कुलदीप का मेरे नाम नहीं लिखा क्योंकि वो मिडिल ओवर से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन तीसरा बॉलर कुलदीप होगा, है ना। कौन बॉलर हो गए? हार्दिक बॉलर नहीं गिनेंगे क्योंकि ऑलराउंड सेक्शन से कवर हो जाएगा। अर्शदीप, कुलदीप, दो बहुत है, दो इधर उधर से मिल जाएंगे हमें, एक तो हार्दिक ही हो गया। अभी इनको कौन तंग करता है? इनको शेफर्ड और अवॉइड तंग करते हैं, तो शेफर्ड हमारी टीम में रहेगा तो जयसवाल को इग्नोर किया जा सकता है ना। शेफर्ड रहेगा टीम में यार, शुभमन गिल, अकील और अल्जारी, अल्जारी शायद टीम में रहेगा तो शुभमन भी इग्नोर होगा, हालांकि मुझे लगता है दोनों चलेंगे आज, तो CVC एक जरूर बनाना, इसकी टीम में बहुत काम आएंगे आपके। सूर्य कुमार यादव, अल्जारी को तो दिन में क्या रात में भी सभी जगह इन्होंने तारे दिखाए हैं, 54 बॉलों में 111 रन, ओए होए होए होए। शेफर्ड का भी यही हाल है, जेसन होल्डर का भी बहुत बुरा हाल है, और टीम में भी रहेगा प्लेयर तिलक, तिलक को तो लेना है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जेसन होल्डर भी रहेगा कोई बात नहीं यार, इन्फॉर्म प्लेयर है। संजू, ऑडियन स्मिथ नहीं, अकील, अकील ले सकते हो टीम में यार, जेसन होल्डर की दुआई इसने भी की है, लेकिन वो टाइम था दोस्तों। अब इनकी बैटिंग ऑर्डर नीचे है ना, प्लेयर बैटन भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कब, मतलब किस सिचुएशन क्या थी मैच की, है ना। हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या की स्पेलिंग हमें ठीक करवाने पड़ेंगे, मैं 2 बार बोल चुका हूँ, मेरा कंप्यूटर वम्प्यूटर कर नहीं रहा, आपके सामने एक बार अभी मैसेज करता हूँ मैं मोबाइल से, आ, 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 कर दिया है मेरे दोस्तों। प्राइम टीम, अब आप कहेंगे प्राइम टीम में 11 प्लेयर से ज़्यादा कहाँ से हो गए, है ना, आप सबके माइंड में आ रहा होगा प्राइम प्लेयर 11 कहाँ से क्लोज कर दिया, है ना, कोई बात नहीं, हम करवा देते हैं यार, प्लेयर्स की लिस्ट है दोस्तों, है ना। पूरन, सैमसन, चार्ल्स नहीं, अकेले है पूरन, सिर्फ और सिर्फ आपको निकलस पूरन टीम में रखने हैं। उसके बाद बैटर्स की बात की जाए तो सूर्या, तिलक, ये 2 ही प्लेयर आपको रखने हैं, बाकी केवल आपको ग्रैंड लीग पिक्स बताए हैं। सैमसन हाल की ग्रैंड लीग पिक भी नहीं है, वो सेकंड इनिंग्स के लिए मैंने आपको रखा है कि अगर सेकंड इनिंग्स में कलेप्स हुआ तो ये बंदा अच्छा खेलेगा। चार्ल्स, चार्ल्स आपके GL पिक है क्योंकि 1 डाउन पे आ रहे हैं। शुभमन गिल आपके GL पिक है, रॉबिन पॉवेल आपके इन्फॉर्म प्लेयर है इसी टीम में, सेकंड इनिंग्स में वैसे भी मुझे लगता है कि इनकी धराशायी होने वाली है टीम, तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है। ब्रैंडन किंग ओपनर है इसलिए आपका GL पिक है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में जहाँ तक बात की जाए तो, जहाँ तक क्या दोस्तों, बात ही बात है ना, तो ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अक्षर ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, है ना। काल मेयर्स, रॉस्टन चेज, इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन हार्दिक और मेयर्स ये 2 प्लेयर ही टीम में रहेंगे, बाकी प्लेयर्स टीम में नहीं रहेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ बाकी प्लेयर्स टीम में नहीं रहेंगे। बॉलर्स की बात की जाए तो कुलदीप यादव, अल्जारी, रोमेरो शेफर्ट, अकील, अकील का नाम नहीं है लेकिन अर्शदीप, ये प्लेयर्स आपकी टीम में रहने चाहिए अगर आप लोग बॉलिंग फ्रेंडली जाना चाहते हो तो, है ना। कुछ प्रदर्शन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए रोमेरो शेफर्ट बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जा रहे हैं, डेथ बॉलिंग कर रहे हैं, ये देखिए ना 20वां ओवर रोमेरो जिन्हें रोमेरो ने किया है, जेसन कर रहे हैं दोस्तों 2 ओवर कर रहे हैं जेसन, अल्जारी कर रहा है, ऑबियड भी कर रहा है लेकिन टीम के हित में नहीं कर रहा। विकेट्स की बात की जाए, अकील 4 ओवर में केवल 17 रन पहले मैच में, है ना, ऑबियड ने 2 विकेट लिए थे, जेसन ने 2 विकेट लिए थे, रोमेरो शेफर्ड ने 2 विकेट लिए थे। बैटिंग आई तो ब्रेंडन किंग ने ठीक ठाक बैटिंग की थी, मेयर्स नहीं चले। मैं दोस्तों लगभग 3 बजे से जाग रहा हूँ, आप लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी थक चुका हूँ, कोई बात नहीं, एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए,
रॉफमैन पॉवेल 48 रन है ना। सेकंड में बात करें तो सेकंड में ईशान किशन, नहीं अभी वेस्टइंडीज की बात चल रही है, रोमेरो शेफर्ड फिर 20वां ओवर, ऑब्वियड फिर 19वां ओवर, अल्जारी फिर 18वां ओवर है ना, जेसन होल्डर फिर 17वां ओवर। तो ये प्लेयर फिक्स है, ऑब्वियड 2 ओवर जज में करेगा ही करेगा, ऑब्वियड 4 ओवर 25 रन विकेट नहीं मिला लेकिन 2 ओवर जज में जरूर करेगा। अकील 2 विकेट, अल्जारी 2 विकेट, रोमेरो शेफर्ड 2 विकेट। बैटिंग की बात आई तो कोई भी नहीं चला, केवल पूरन चला। तीसरे T20I की बात करें रॉफ, अरे 1 मिनट सॉरी दोस्तों, रॉफमैन पॉवेल ने किया था जब सेकेंड इनिंग्स थी ना ये, तो वो दिक्कत है ना, अदरवाइज विकेट अल्जारी को मिले थे। अब बात करते हैं भारत की टीम की, तो भारत ने यहाँ पे ईशान किशन हालांकि खेलेंगे नहीं, शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म है, सूर्या चले, तिलक चले, हार्दिक चले है ना। बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप 2 विकेट, चहल 2 विकेट, कुलदीप 1 विकेट। डेथ बॉलिंग कौन कर रहा है? अर्शदीप कर रहा है, मुकेश कुमार कर रहा है। यहाँ पे मुकेश डेथ बॉलिंग कर रहा है, अर्शदीप कर रहा है, फिर वही बात दोस्तों है ना। और बैटिंग की बात करें तो कोई नहीं चला, फिर नीचे तिलक ही चले केवल है ना। हार्दिक 3 विकेट, युजवेंद्र चहल 2 विकेट। तीसरे T20I की बात करें, जैसे भारत की डोमिनेशन थी पूरी, तो मुकेश की 2 विकेट, सॉरी डेथ बॉलिंग में 2 ओवर्स, अर्शदीप के 2 ओवर्स है ना, ये तो कन्फर्म है, ये तो करेंगे करेंगे। उसके बाद हार्दिक पांड्या विकेट लेस रहे लेकिन ओवर भी पूरे नहीं किए, कुलदीप के 3 विकेट आए है ना। बैटिंग में बात करें तो सूर्य कुमार ने समा बांध दिया था। अभी दोस्तों दिस इज नॉट अ फाइनल टीम दोस्तों, आपको फाइनल टीम मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करके रखिए। धन्यवाद।